आजकल आप लोग हर जगह दो तीन शब्द सुन रहे होंगे। एक सुन रहे होंगे डीप फेक और दूसरा साइबर सुरक्षा या साइबर अपराध। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, एक सामान्य जानकारी और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि आपके हमेशा क्वेश्चंस बनते रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल हमेशा चर्चा में है। और याद रखिए, वैसे भी आपको सामान्य जानकारी के लिए भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज आज आपके पास भी मोबाइल है, इंटरनेट है, तो इसमें साइबर अपराध से आप भी प्रभावित हो सकते हैं। पिछले 2 दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के विस्तार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा आदि क्षेत्रों के साथ हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में बड़े बदलाव किए हैं। याद रखिए एक बात और हमेशा, कि जितना ही इसका आपके लिए फायदा है उतना ही एक तरह से नुकसान भी है। कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरह इंटरनेट और मोबाइल का भी है। अगर मोबाइल हद से ज्यादा इंटरनेट आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा खतरा है एक तरह से, समझ रहे हैं आप। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे नए प्रयोगों ने आधुनिकीकरण की गति में एक उत्प्रेरक का काम किया है। साथ ही इसकी वजह से समाज के हर वर्ग तक मूलभूत सुविधाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना भी संभव हो सका है। हालांकि किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र में विकसित तकनीकों के अनियंत्रित प्रयोग के कारण इसके दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दुष्ट प्रचार और अफवाहों की समस्या अब मात्र झुंझलाहट का एक कारण ना होकर समाज में तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ाने के साथ कई मामलों में चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता सहित एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसी कड़ी में डीप फेक, दुष्प्रचार और अफवाहों को तेजी से तथा एक बेहद पैमाने पर फैलाने का नया विकल्प बनकर उभरा है। सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया क्षेत्र अपेक्षा के नया होने के कारण इस क्षेत्र के अपराधों की निगरानी करना तथा उन्हें नियंत्रित कर पाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। एक बात और आपको बताऊं यहाँ, कि देखते होंगे आप लोग कि जब कोई झूठी खबर आती है तो आप देखते हैं फेसबुक पर इतनी आग की तरह फैलती है, या फिर व्हाट्सएप पर आप देखते हैं कि शेयर शेयर किए जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि एक बुंदेलखंड में, झांसी में, कोई ऐसी मशीन थी पार्क में लगी हुई थी कि वो उसे छोड़ देती थी, 2-4 मिनट चलती रहती थी, उसमें खराबी आ चुकी थी, लेकिन किसी ने दिखा दिया उसे कि देखिए यहाँ कोई चमत्कार हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे 2 से 4 दिन वही चलता रहा, समझ रहे हैं आप लोग। और फिर किसी ने हकीकत जानी, हुआ जाके तो उसकी स्प्रिंगें कुछ खराब थी कि उसे एक बार आप लोग उठा के छोड़ दीजिए तो वो 2-4 मिनट तक चलती रहती थी अपने आप। तो इस तरह आप देखिए कि सच खबर, वो कहते हैं ना कि जब तक सच जूते पहन रहा होता है, जब तक गलत यानी कि झूठ पूरी दुनिया घूम लेता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग डीप फेक के बारे में। डीप फेक डीप लर्निंग और फेक का सम्मिश्रण है। इसके तहत डीप लर्निंग नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर एक मौजूदा मीडिया फाइल, फोटो, वीडियो, ऑडियो की नकली प्रतिकृति तैयार की जाती है। इसका उपयोग करते हुए कई बार आप लोग देखते होंगे कि किसी नेता के बगल में किसी अपराधी की फोटो लगा दी जाती है, या आप देखते हैं किसी की आवाज भी डाल दी जाती है उसके अंदर, जैसे किसी की आवाज किसी का चेहरा लगा दिया जाता है, तो इसी का एक कमाल है। और हम लोग बड़े आसानी से उसे मान लेते हैं, सही मान लेते हैं और कहते हैं कि ये सही बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम का प्रयोग कर किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों, शरीर की गतिविधि या अभिव्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर इस सहजता के साथ स्थानांतरित किया जाता है कि यह पता करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि प्रस्तुत फोटो, वीडियो असली है या डीप फेक है, यानी कि या नकली है। डीप फेक का मामला सबसे पहले वर्ष 2017 में सामने आया, जब सोशल मीडिया साइट रेडिट पर डीप फेक नाम के एक अकाउंट पर इसके एक उपयोगकर्ता द्वारा कई मशहूर हस्तियों की आपत्तिजनक डीप फेक तस्वीरें पोस्ट की गई। और इस घटना के बाद डीप फेक के कई अन्य मामले भी सामने आए हैं। अब बात करते हैं डीप फेक के दुष्प्रभाव। एक तरह से डीप फेक का मतलब यही समझिए आप लोग कि किसी फोटो को आप लोग किसी की जगह सेट कर देना, या आप समझिए कि किसी की आवाज को किसी की फोटो के साथ या शरीर के साथ कम जोड़ देना और दिखाना। ठीक है,
डीप फेक के माध्यम से किसी व्यक्ति, संस्थान, व्यवसाय, यहां तक कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी कई प्रकार से क्षति पहुंचाई जा सकती है। डीप फेक के माध्यम से मीडिया फाइल में व्यापक हस्तक्षेप, जैसे चेहरे बदलना, लिप सिंकिंग या फिर अन्य शारीरिक गतिविधियां किया जा सकता है, और इससे जुड़े अधिकांश मामलों में लोगों की पूर्व अनुमति नहीं ली जाती है, जो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता और व्यवसायिक व्यवधान का खतरा उत्पन्न करता है। महिला सुरक्षा की बात करें इसमें तो डीप फेक का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर पोर्नोग्राफी के मामलों में देखा गया है, जो भावनात्मक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने के साथ कुछ मामलों में व्यक्तिगत हिंसा को भी बढ़ावा देता है। ऐसा होता है कि आप समझिए कि किसी का चेहरा एक तरह से बदल देना, समझ रहे हैं आप लोग, कोई आपत्तिजनक वीडियो है उसमें किसी महिला का दूसरी की महिला का उस पर चेहरा बदल देना, तो आप समझिए कि उसकी प्रतिष्ठा को तो प्रभावित हुई, उसकी भावनात्मक एक तरह क्षति भी पहुंचेगी। डीप फेक पोर्नोग्राफी के अधिकांश मामलों में अपराधियों का लक्ष्य महिलाएं ही रही हैं। ऐसे में डीप फेक पीड़ित व्यक्ति को धमकाने, डराने, मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाने हेतु प्रयोग किए जाने के साथ ही यह किसी महिला को यौन उपयोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है। और अगर हम लोग राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों की बात करें तो डीप फेक जैसी तकनीकों का दुरुपयोग से राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। सत्ता में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों, भू राजनीतिक आकांक्षा रखने वाले लोगों, हिंसक अतिवादियों या आर्थिक हितों से पीड़ित लोगों द्वारा डीप फेक के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं में हेर फेर कर और गलत सूचनाओं के प्रसारण से बड़े पैमाने पर अस्थिरता उत्पन्न की जा सकती है। और ये देखिए आप लोग कि हमारे समाज में आप सोचिए कि 80 से 85%, मुझे लगता है 90% लोगों के दिमाग को दूसरा कंट्रोल कर रहा होता है। जब आपके पास आपकी सोच नहीं है, आपको मालूम नहीं कि ये गलत है या सही है, तो क्या कह सकते हैं आप लोग? सामने वाले ने जो लिख दिया उसी को आप सही माने हुए, तो सामने वाले आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है ना। इस मामले में आप ये हकीकत है कि हमारे देश के 80 से 85% तक लोग दूसरे के दिमाग से कंट्रोल होते हैं, दूसरे के दिमाग से काम करते हैं। अपना उनके पास दिमाग है लेकिन उसका उपयोग कभी वो नहीं करते हैं। किसी ने 2 शब्द लिखे फेसबुक पर, सही है गलत है, धर्म के बारे में है, किसी समुदाय के बारे में, हमने तो इन तुरंत उसे सही मानकर हमने आगे बढ़ा दिया, आगे वाले ने फिर आगे बढ़ा दिया। और एक धर्म के प्रति एक तरह से आप सोचिए कि गलत भावनाएं जो भी हो उसे नुकसान हो रहा है, सांप्रदायिक भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। उदाहरण के लिए 2019 में अफ्रीकी देश गेबोन गणराज्य में राजनीतिक और सैन्य तख्तापलट के एक प्रयास में डीप फेक के माध्यम से गलत सूचनाओं को फैलाया गया। इसी प्रकार मलेशिया में कुछ लोगों द्वारा विरोधी राजनेताओं की छवि खराब करने के लिए डीप फेक का प्रयोग दिखाया गया। आतंकी और या फिर चरमपंथी समूहों द्वारा डीप फेक का प्रयोग राष्ट्र विरोधी भावनाएं फैलाने के लिए किया जा सकता है। फिर आप देखेंगे लोकतंत्र के लिए खतरा कैसे है। डीप फेक लोकतांत्रिक संवाद को बदलने और महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रति लोगों में अविश्वास फैलाने के साथ लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है। डीप फेक का प्रयोग चुनावों में जातिगत द्वेष, चुनावी परिणामों की अस्वीकारता या फिर अन्य प्रकार की गलत सूचनाओं के लिए किया जा सकता है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इसके माध्यम से चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के कुछ ही समय दिन पहले विपक्षी दल या फिर चुनावी प्रक्रिया के बारे में गलत सूचना फैलाई जा सकती है, जिससे समय रहते नियंत्रित करना और सभी लोगों तक सही सूचना पहुंचाना बड़ी चुनौती होगी। याद रहे कि ब्रिटेन के पिछले प्रधानमंत्री पद के चुनाव में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार का एक डीप फेक वीडियो सामने आया, जिससे वे एक दूसरे का समर्थन करते दिखाई दिए। इसी प्रकार भारत में भी 2019 में लोकसभा चुनाव में कुछ राजनेताओं के डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसे बाद में हटा दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि आप सोचिए कि दो नेता लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, मान लीजिए, मैं तो कहता हूं इस तरह का पता नहीं कि संभव भी हो जाए आगे चल के, राहुल गांधी और मोदी साहब दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा भी एक दिन देखने को हो सकता है मिले,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि विपक्षी जो भी एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं आजकल वो भी मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं राहुल गांधी और मोदी भी है, दोनों चुनाव लड़ते हैं। ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें दिखाया जाए कि दोनों एक तरह से आप कहिए मोदी जी राहुल का या राहुल मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह यहां भी किया गया, कहा बेटे में डीप फेक तथ्यात्मक सापेक्षवाद को बढ़ावा देता है तथा यह किसी अधिनायकवादी शासक को सत्ता में बने रहने, लोगों की दमन को सही ठहराने, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने में सहायक हो सकता है। इसमें देखेंगे आप लोग व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और पहचान को क्षति भी पहुंचती है। इसकी वजह से डीप फेक का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या संस्थान की पहचान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। ऐसे मामलों में यदि पीड़ित व्यक्ति के फेक मीडिया को हटाने या स्थिति को स्पष्ट करने में सफल रहता है तब भी इसके कारण हुई शुरुआती क्षति को कम नहीं किया जा सकेगा। एक तरह से वही है आप लोग कि एक बार जो हो चुका है उसे बदला थोड़ी जा सकता है। डीप फेक का प्रयोग कई तरह के अपराधों जैसे धन उगाही, निजी अथवा संवेदनशील जानकारी एकत्रित करने या किसी अन्य हित को अनिर्देशित तरीके से पूरे करने के लिए किया जा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार प्रतिवर्ष विभिन्न व्यवसायों के खिलाफ प्रसारित गलत सूचनाओं और फेक न्यूज के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति होती है। कितनी? 78, समझ रहे हैं? एक बहुत बड़ी धनराशि है। इसमें आप देखेंगे डीप फेक के मामलों में वृद्धि की बात करें तो दिसंबर में आप देखेंगे बहुत कम थी, 7,964। उसके जुलाई 2019 की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें आपको देखने को मिलेगी 14,678। जनवरी की बात करें अगर हम लोग जनवरी 2020 की, तो 24,263। और जून की बात करें तो 49,081। आप समझ सकते हैं कि इतनी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया अच्छी से तरह से तो ये आगे भी जारी रहेगी। देखिए एकाएक बढ़ रही है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान विश्व भर में डीप फेक के से जुड़े आपराधिक मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई है। यहां भी आप लोग देख रहे होंगे जनवरी जून 2020 के दौरान एशिया में डीप फेक के मामलों में पिछले 6 माह की तुलना में दुगनी वृद्धि देखी गई है। डीप फेक की पहचान करने वाली एक तकनीकी कंपनी डीप फेक लैब के आंकड़ों के अनुसार जनवरी जून 2020 के बीच एशिया में डीप फेक से बने वीडियो के लगभग 49,081 मामले देखने को मिले हैं। डीप फेक लैब द्वारा जुलाई 2019 के बाद से चिन्हित डीप फेक वीडियोज में से 95% मामलों में फिल्म, खेल, फैशन या फिर मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को लक्षित किया गया था। इसमें ये आपको देखना ही को दे रहे होंगे कहाँ कहाँ है। यूएसए में सबसे ज्यादा 50.1%। फिर आप देखेंगे अदर अन्य देशों में, इंडिया में आपको 5.0%, जापान में 4.0%, साउथ कोरिया में 9.6%, यूनाइटेड किंगडम में 10.9%। सबसे ज्यादा आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। अगर हम भारत के पर प्रभाव की बात करें इसकी, तो वर्तमान में डीप फेक के रूप में चिन्हित अधिकांश मामले लगभग 61% अमेरिका यूनाइटेड किंगडम से संबंधित हैं, परंतु पिछले कुछ समय से दक्षिण कोरिया, जापान, भारत में भी ऐसे मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई है। और एक बात और आपको बता दूं, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसे देश हैं कि काफी लोग ये अपने हिसाब से काम करते हैं, ये अंधभक्ति नहीं दिखाते, ये हकीकत है। अमेरिका के चुनाव में आप देख भी सकते हैं कि वहां ऐसा कोई मामला नहीं जिस तरह हमारे यहाँ क्या होता है कि एक जाति वहाँ, या आप सोचिए कि किसी नेता की कितना फेमस है उसी हिसाब से चुन लेते हैं हम, हमें शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों से कोई मतलब भी नहीं रहता है दूर दूर तक कोई, ठीक है? तो वहां लोग अपने हिसाब से काम करते हैं तो ज्यादा उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ इस तरह की न्यूज फैली या इस तरह के आप सोचिए कि वीडियोज फैले, फोटोज फैली, तो लोगों में ज्यादा प्रभावित भी होंगे लोग इससे। पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए व्यापक सुधार के कारण इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई।
2019 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच में 45% की वृद्धि देखी गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह वृद्धि मात्र 11% ही रही। मई 2020 के एक अनुमान के अनुसार भारत में मासिक रूप से सक्रिय कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 574 मिलियन बताई गई, और दिसंबर 2020 तक यह आंकड़ा बढ़कर 639 मिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है। हालांकि देश की एक बड़ी आबादी के बीच इंटरनेट और साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता का अभाव ऐसे लोगों को साइबर अपराधों के प्रति अत्यधिक सुवेद बनाता है। साथ ही भारत में डेटा सुरक्षा के मामले में कानून का अभाव भी इस चुनौती को और अधिक बढ़ा देता है। एक बात और आपको बताऊं, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है कहते हुए कि मेरे बाप दादा उस पार्टी को वोट देते थे, मैं भी उस पार्टी को वोट दे रहा हूँ और मेरे आने वाली पीढ़ी भी उस पार्टी को वोट देगी। और मैंने पूछा आपके लिए काम क्या किया उन्होंने, काम कुछ नहीं किया। तो आप इसे क्या कह सकते हैं इन लोगों को, आप कह सकते हैं कि अपना दिमाग है इनके पास, अपनी सोच है अपनी कुछ? तो ऐसे लोग अधिकतर आप देखते होंगे कि इन इस तरह की अपराधों से प्रभावित भी होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कई फ्रॉड चल रहे हैं बैंकों के नाम पर, आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं ऐसे ही लोग। जब इन्हें कोई लालच देता है तो ये लोग आसानी से उसमें एक तरह से बहकावे में आ जाते हैं और फ्रॉड या जो भी फ्रॉडिया करते हैं वो आराम से सफल भी हो जाते हैं अपने काम में। कानूनी प्रावधान की अगर हम बात करें तो देश में साइबर अपराधों के मामलों में वर्ष 2000 में पारित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और साइबर अपराधों से निपटने के लिए 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई। साइबर अपराध से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत साइबर सुरक्षा केंद्र भी स्थापित किया गया है। नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और जिसे इसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। अब आप में से कई लोग कहते हैं कि सर डेटा क्या होता है और व्यक्तिगत डेटा में इसमें मुझे क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ रहा है? तो एक बात आप लोगों को बता दूं, मान लीजिए आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है आजकल हो चुकी है, आपका कोई दोस्त है या समझिए आप लोग कोई भी हो सकता है, सोचिए कि किसी और के पास से चैटिंग पहुंच जाए तो क्या होगा? आपको किसी ने कोई पिक्चर शेयर की हुई है, ठीक है, या कोई भी आपका पर्सनल डाटा है, पर्सनल सूचना है, और सोचिए वो किसी और के पास पहुंच जाए तो क्या होगा? इसमें ये भी देखा गया है कई लोगों की जान भी चली गई है, समझ रहे हैं आप लोग, इतनी प्राइवेट एक तरह से आपकी जानकारी भी होती है। तो इसी की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं आप लोग, किसकी, इसी की बात की जा रही है। यही है एक तरह से आपके डाटा की कीमत। आपकी बैंक सूचना की बात कर लीजिए, आप लोग देखते होंगे आपकी एटीएम कार्ड का किसी के पास नंबर पहुंच जाए और भी जानकारी साझा हो जाए, तब भी वो फ्रॉड कर सकता है, आपको एक तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, समझ रहे हैं? इसके अगर समाधानों की बात करें हम लोग तो नीति निर्माण, डीप फेक मीडिया सामग्री के निर्माण और इसके वितरण की चुनौती से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों, नागरिक समाज, नीति निर्माताओं तथा अन्य हितधारकों को चर्चा के माध्यम से इंटरनेट एवं सोशल मीडिया की विनिमय नीति की एक व्यापक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। तकनीकी का प्रयोग, डीप फेक मीडिया सामग्री की पहचान करने, इसे प्रमाणित करने और इसके आधिकारिक स्रोतों तक पहुंच को सुलभ बनाने के लिए आसानी से उपलब्ध तथा उपयोग किए जाने सकने वाली तकनीकी आधारित समाधान के विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूसी बर्कली के शोधकर्ताओं ने एक प्रोग्राम तैयार किया है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर डीप फेक वीडियो की पहचान कर सकता है और डिटेक्टिंग डीप फेक वीडियोज फ्रॉम फिनोम मैच नामक शीर्षक से प्रकाशित एक शोध के अनुसार यह प्रोग्राम किसी मीडिया फाइल में लोगों की आवाज और उनके मुंह के आकार में सूक्ष्म भिन्नताओं के
के माध्यम से 80% मामलों में डीप फेक वीडियोज की पहचान करने में सफल भी रहा है। अच्छी बात है, पर आप देखेंगे साक्षरता और जागरूकता, ये तो हर मामले में बहुत जरूरी है, साक्षरता और जागरूकता। अगर ये हो गई तो आप सोचिए हमारा देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? उपभोक्ताओं और पत्रकारों के लिए मीडिया जागरूकता को बढ़ाना, गलत सूचनाओं तथा डीप फेक जैसी चुनौतियों से निपटने का सबसे प्रभावी साधन विकल्प है। वर्तमान समय में मीडिया साक्षरता एक विवेकशील समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक मीडिया उपभोक्ता के रूप में हमारे पास उपलब्ध सूचना को पढ़ने, समझने और उसका उपयोग करने की क्षमता अवश्य ही होनी चाहिए। मीडिया और इंटरनेट को बेहतर ढंग से समझने और इसके सुरक्षित प्रयोग को बढ़ावा देने का एक छोटा हस्तक्षेप भी इससे होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक हो सकता है। लास्ट में क्या कह सकते हैं हम लोग कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई प्रगति के माध्यम से जहां संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक असमानता को दूर करने में सहायता प्राप्त हुई, वहीं इससे डीप फेक और साइबर सुरक्षा से जुड़ी कई अन्य चुनौतियों को जन्म दिया है। डीप फेक और दुष्प्रचार जैसी चुनौतियों से निपटते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने हेतु सभी हितधारकों के साथ मिलकर एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। विधायी नियमों, प्लेटफॉर्मों, नीतियों और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और मीडिया साक्षरता के क्षेत्र में साझा प्रयास डीप फेक के खतरे को कम करने के लिए नैतिक और प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। तो यही है आपकी डीप फेक और साइबर अपराध, ठीक है, या साइबर सुरक्षा, ठीक है।